गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था धातु और अधातुओं की परिभाषाएं और धातु के भौतिक गुण। आज हम इस वीडियो में करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अधातुओं के जो भौतिक गुण है वो धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो धातुओं में भौतिक गुण थे वो अधातुओं में नहीं होते। जैसे धातुओं के अंदर जो गुण है कौन सा, अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता मतलब उनको पीट कर चदरों में बदल सकते हैं और उनको खींच कर तार भी बदल सकते हैं, वो गुण कहलाता है तन्यता। मतलब अघात वर्ध्यता और तन्यता जैसे गुण अधातुओं में नहीं होते। इसका मतलब क्या है, हम उनको पीट कर चदर में नहीं बदल सकते। अगर हम उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो हार्ड नहीं होती, वो भंगुर होती है। भंगुर का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको अगर हम हिट करें, चोट करें उसके ऊपर, तो वो टुकड़ों में बिखर जाए, उसको बोलते हैं भंगुर। तो धातुएं अघात वर्ध्य तथा तन्य नहीं होती, वो भंगुर होती है, मतलब चोट करने पर टूट जाती है। उसके बाद है ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे मैंने बताया था धातुएं तो ऊष्मा की चालक होती हैं और विद्युत की भी चालक होती है, लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। कहने का मतलब क्या, सारे गुण उनके विपरीत है। धात्विक चमक नहीं होती है अधातुओं में, वो मुलायम होती है। जबकि हमने पढ़ा था अधातुएं जो होती है वो तो बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, जबकि अधातुएं मुलायम होती है, उनको आसानी से तोड़ सकते हैं। धातुएं ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलती है, कुछ अपवाद हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर धातुएं वो ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिल सकती हैं। गलनांक की अगर बात करें, अधातुओं का गलनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है, जबकि धातुओं का गलनांक उच्च होता है। घनत्व की बात करें, धातुओं के घनत्व की बात हमने पढ़ी थी धातुओं में, उसमें हमने पढ़ा था कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, मतलब पानी से अधिक होता है। जैसे हमने लोहे की बात करी तो उसका घनत्व 7.98 समथिंग था, तो उसका मतलब क्या होता है कि इतने ज्यादा घनत्व वाली चीजें पानी में तैरेंगी नहीं, पानी में डूब जाएगी, तो लोहा पानी में डूब जाएगा। लेकिन अधातुओं का क्या है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, किसके कंपैरिजन में, धातु के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो ये हो गए अधातुओं के भौतिक गुण। सीधा सर याद रखने का तरीका क्या है, जो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं अधातुओं के भौतिक गुण उनके विपरीत होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवाद। अपवाद का मतलब एक्सेप्शंस, जो जनरल चीजें हैं। जैसे हमने बात की कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, मतलब एक आधी धातु ऐसी भी है जो द्रव अवस्था में मिल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन हो सकता है कोई अधातु ऐसी हो जो विद्युत की चालक हो। कहने का मतलब जो है, जो जनरल चीजें हैं उनसे हटके एक्सेप्शन है जो, वो हम पढ़ते हैं, और एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आता है। जैसे हमने पढ़ा अधातु में विद्युत की उचालक होती है, लेकिन कार्बन के दो अपयोग होते हैं, एक हीरा होता है, एक होता है ग्रेफाइट, और ये दोनों ही अधातु है। ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो देखो, है तो अधातु लेकिन विद्युत का क्या हो गया, चालक। ठीक है, विद्युत का सुचालक। हीरा जो होता है वो कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अधातु चमकीली नहीं होती। हम पढ़ चुके हैं कि अधातुएं चमकीली नहीं है, धातुएं चमकीली होती है। एक अधातु है आयोडीन अधातु है, लेकिन यह है धातु की तरह है, चमकती है, ये अपवाद है। हमने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं, मतलब उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन दो तीन धातुएं ऐसी हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटासियम तथा लिथियम, ऐसी ही धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अवस्था की बात करें हम,
सारी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन एक पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। ऐसे ही एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में मिलती है और वो है ब्रोमीन। ठीक है, पारा तो धातु है, याद रखना पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है, दोनों ही द्रव अवस्था पे मिलती है। क्वथनांक हमने पढ़ा, अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है। लेकिन अगर हम हीरे की बात करें, हीरा क्या है, ये कार्बन का एक अपरूप है। हीरे की बात करें तो इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 3500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये पिघलना शुरू करेगा। हीरा दुनिया की सबसे हार्ड चीज है, सबसे सख्त चीज है, जबकि हमने पढ़ा कि अधातुएं कैसी होती हैं, मुलायम, चोट करने से टूट जाती है, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी सबसे सख्त है। इसका प्रयोग दूसरी चीजों को काटने में किया जाता है, यह इतना सख्त होता है। दुनिया की, ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे सख्त चीज, जो हार्ड चीज, वो है हीरा है। ठीक है भाई, हमने पढ़ा धातुओं का क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि कुछ धातुओं का गलनांक निम्न भी होता है, जैसे सोडियम की, सोडियम हमने पढ़ा, हमने पोटासियम पढ़ा, या हमने सीजियम गैलियम पढ़ा हमने। ठीक है ना, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस होता है, सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है, उनको हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएगी। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस इन्हीं में से प्रश्न पेपर में आता है। प्रश्न पूछ लेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है, ऐसी कौन सी अधातु है जिसका प्रयोग दूसरी वस्तुओं को काटने में किया जाता है, तो ऐसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हो गए भाई अपवाद। अब हम शुरू करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहले हम पढ़ चुके हैं धातुओं के भौतिक गुण, उसके बाद हमने पढ़ा अभी ऊपर अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम शुरू करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म का मैंने आप लोगों को बताया था, रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि हम उनकी अभिक्रिया करवा के देखेंगे अलग अलग चीजों के साथ, और क्या बनता है उससे पता चलेगा कि उनके रासायनिक गुण क्या है। तो हम यहाँ धातुओं की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर जल के साथ, फिर अम्ल के साथ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखो भी सभी धातुएं, चाहे कोई भी धातु है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, धातु का ऑक्साइड। कोई, देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का मतलब होता है उस वस्तु को जलाना, क्योंकि जलाने का मतलब ही है कि वह वस्तु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। तो हम, मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी धातु ले लो, वह धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा धातु का ऑक्साइड। ठीक है, अब बात आती है, कोई तो धातु ऐसी है जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा सा उनको गर्म करना पड़ेगा तब वो अभिक्रिया करेंगी, कुछ ऐसी हैं जिनको और अधिक गर्म करना पड़ेगा जब वो अभिक्रिया करती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको कितना भी गर्म कर लो वो अभिक्रिया नहीं करती। तो हम उनके बारे में ही पढ़ते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको अगर हम बाहर ऐसे खुले में रख देंगे तो वो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगी, जैसे पोटासियम है, सोडियम है। ठीक है भाई, ये ऐसी धातुएं हैं जिनको हम ऑक्सीजन में खुला नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया होती है, अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, तो उस ऊष्मा इतनी अधिक निकलती है कि मतलब ये आग पकड़ लेती है। तो पोटासियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, पोटासियम ऑक्साइड, संतुलित नहीं है, तो संतुलित करेंगे ये हो जाएगा 4K। ठीक है भाई, ये हो गया पोटासियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सोडियम भी ऐसे ही करता है, Na plus O2 बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बात समझ में आई, तो ये दोनों तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम धातु खुले में रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। देखो धीरे धीरे लंबे टाइम में तो अभिक्रिया कर लेगी, लेकिन रखने पर
ऐसी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जलाना पड़ेगा, इसको थोड़ी सा इसको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसमें तापमान पर इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगी, जैसे ये जलना शुरू कर देती है तो ये भी जलना शुरू कर देती है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है भाई, मैग्नीशियम को मतलब जलाने पर जलना शुरू कर देगी। उसके बाद अगर बात करें हम एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू कर देगी, ये भी जलना शुरू करेगी लेकिन थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें हम जिंक की, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ जलना शुरू कर देगी लेकिन अत्यधिक तापमान पर। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, भाई कॉपर की और आयरन की, ये ऐसी धातुएं हैं जिनको ऑक्सीजन में कितना भी गर्म कर लो आप जलना शुरू नहीं करेंगे। अभिक्रिया जरूर कर लेगी ऑक्सीजन से लेकिन खुद से जलना शुरू नहीं करेगी। आयरन रोड ले लेंगे तो जलना शुरू नहीं करेगी, अगर आप लोह चूर्ण ले लेंगे लोहे का पाउडर तो वो जलना शुरू कर सकता है या करेगा। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो करेंगी लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगी नहीं, ये बात याद रखना। तो जो ये कॉपर है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कॉपर जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है इसको, तो एक काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, वो होता है कॉपर टू ऑक्साइड CuO। ये लाल रंग का होता है, ये काले रंग का होता है, ये हम बात पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर जो होता है वो काले रंग का एक पदार्थ बनाता है जो होता है कॉपर का ऑक्साइड, लेकिन जलेगा नहीं। ये जैसे मैग्नीशियम का रिबन जलने लग जाता है वैसे कॉपर जलेगा नहीं, ऐसे ही आयरन जो होता है आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 आयरन 2-3 ऑक्साइड बनाता है, बट आयरन 2-3 ऑक्साइड बनाएगा लेकिन जलेगा नहीं। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो इन सब से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इन सब से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पोटासियम ने बहुत तेजी से अभिक्रिया की, मतलब ये अधिक क्रियाशील है, सोडियम ने उससे थोड़ी सी कम की तो मतलब सोडियम उससे कम क्रियाशील है, उसके बाद कैल्शियम ने की, फिर मैग्नीशियम ने गर्म करने पर अभिक्रिया की तो उससे कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम ने थोड़ा उच्च ताप पर जलना शुरू किया तो उससे कम क्रियाशील है, जिंक ने अत्यधिक तापमान पर जलना शुरू किया तो ये उससे कम क्रियाशील हो गई, और आयरन कॉपर इन्होंने तो अभिक्रिया ही नहीं की। तो कहने का मतलब क्या है, हमने देख लिया पोटेशियम अधिक क्रियाशील ऑक्सीजन के साथ, सोडियम अधिक क्रियाशील उससे कम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये इस तरह से इनकी क्रियाशीलता की श्रेणी बन गई, ये एक मतलब उनका घटता क्रम बन गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई, तो अब धातुओं ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, धातु ऑक्साइड। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो लास्ट में बच गई मतलब जैसे कॉपर है ये तो ठीक है इसने ऑक्साइड बनाया, लेकिन हम देखें अगर सिल्वर को Ag या Au गोल्ड को देखें तो ये किसी भी तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब इनकी क्रियाशीलता तो सबसे कम है, मतलब ये तो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो धातुओं ने बनाया क्या ऑक्साइड, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड या K2O पोटेशियम ऑक्साइड। अब अगर हम इनको जल में घोल दें, इन सब दोनों को जल में घोले तो इन से हमें क्या प्राप्त होता है NaOH, ठीक है, और इससे क्या प्राप्त होता है KOOH, मतलब ये तो जल में घुल गए। लेकिन ज्यादातर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, देखो ये तो घुल गए, इसका मतलब है कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं और बनाते हैं क्या, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ये सार है, एक सारक होता है, मैंने बताया था एक होता है सार, सार मतलब ऐसा सारक जो जल में घुल जाए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, तो सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जो ऐसे ऑक्साइड का निर्माण करती है जो जल में घुल जाता है, इसलिए देखो ये है सार, इसलिए ये धातु को सारीय धातु या अल्कली मेटल बोलते हैं,
अल्कली मेटल, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आवर्त सारणी, उसमें ये अल्कली वाले ग्रुप में डाली जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जल में घुलकर अल्कली का निर्माण किया, मतलब क्षार का निर्माण किया। ठीक है भाई, तो ये तो जल में घुलनशील है। देखो अगर हम बात करें इसके बाद मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इसको जल में घोल दिया, ये तो क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षारक है, ये तो अत्यधिक प्रबल है। जब इसने ये भी जल में घुल गया, लेकिन हम इसको क्षार नहीं कह सकते, मतलब ये जल में घुल तो जाएगा लेकिन उतना तेजी से नहीं घुलता जितना ये घुल जाते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड घुल जाता है। तो ये अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले ले इसके साथ, इसमें ले ले टेस्ट ट्यूब में, और इसका परीक्षण करें नीले लिटमस के साथ और लाल लिटमस के साथ, तो नीले लिटमस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मतलब इसमें ले लिया हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसमें डाल दिया हमने नीला लिटमस, तो नीले लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसमें डालें लाल लिटमस, तो लाल लिटमस को यह नीला कर देगा। इसका मतलब ये क्या है, यह एक क्षारक है। ठीक है भाई, तो उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की। ये तो ऑक्साइड बनाएंगे, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को अगर हम जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनेगा Al2O3। ठीक है, तो बनेगा क्या, Al2O3 ये बन जाएगा ये, और ये हो गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यह कैसा है, क्या ये क्षारीय प्रवृत्ति का है या फिर अम्लीय प्रवृत्ति का है? देखो ये ऑक्साइड, और एक होता है जिंक का ऑक्साइड Zn+O2, तो बनता है ZnO। ये जो ऑक्साइड है ये दोनों, इन दोनों ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं इनको उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि भाई ये दोनों ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षारक से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी पेपर में आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके दो उदाहरण दीजिए, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब ये कैसे क्षारक का कार्य करता है और कैसे अम्ल का कार्य करता है वो देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं HCl से तो बनेगा AlCl3, मतलब लवण तथा जल, ये लवण है और जल बन जाएगा। ठीक है, और लवण और जल किसमें बनता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये तो अम्ल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारक है। तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, एक क्षारक का काम किया। अगर हम ले ले Al2O3 और इसकी अभिक्रिया करवाएं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, Na2AlO2+H2O, ये भी लवण है। देखो लवण और जल प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये तो क्षारक हो गया। यहां AlO2 ने किसका काम किया, यहां पे इसने अम्ल का काम किया, किसका काम किया, अम्ल का। इसका मतलब है ये दोनों ही काम कर रहा है, ये अम्ल की तरह भी बर्ताव कर रहा है और क्षारक की तरह भी बर्ताव कर रहा है, इसलिए इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसा ही एक दूसरा है ZnO, ZnO की HCl से अभिक्रिया करोगे तो बनेगा ZnCl2 और साथ में H2O बन जाएगा, ये तो होगी अम्ल से, तो यहां क्षारक का काम किया। अगर ले लें इसको NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहां पे बनेगा भी Na2ZnO2+H2O, तो ये भी लवण है। यहां पे इसने किसका काम किया, यहां पे इसने अम्ल का काम किया। देखो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहां जो बनता है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है ये दोनों ही। ठीक है, ये क्योंकि भाई पेपर में साधारण चीजें नहीं पूछते, वे थोड़े घुमा के, मतलब कुछ एक्सेप्शंस पूछते हैं जो जनरल चीजें नहीं होती, तो ये जनरल नहीं है क्योंकि उसने बता दिया धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय नहीं है, वो तो अम्लीय भी है, तो ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, और उसकी अभिक्रिया भी बोल सकता है कि अभिक्रिया करवा के दिखाइए। बात समझ आ गई, बात करें हम, ये तो हो गया भाई। अब है
ये तो थी धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। हमने इसमें देख लिया कुछ धातुएं क्या है बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जैसे पोटासियम सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम जो धातु है उसको थोड़ा जलाना पड़ेगा कम तापमान पर, उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम को थोड़ा उच्च ताप पर जलाना पड़ेगा तो जल जाएगी, जिंक को देखिए थोड़ा और अधिक गर्म करना पड़ेगा तो जल जाएगी। लेकिन उससे आगे जो हमने देखी धातुएं, मतलब जैसे कॉपर है और आयरन है, वो जलेंगी नहीं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो कर लेगी लेकिन खुद से जलना शुरू नहीं करेगी, ठीक है। आयरन धातु का चूर्ण, लोह चूर्ण जल सकता है लेकिन पूरी की पूरी जो सॉलिड धातु होती है वो जलना वो नहीं जलेगी। तो ये थी अभिक्रिया किसकी, ऑक्सीजन से। और इसमें हमने एक बात जान ली कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटासियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु जो निकल के आई हमारे पास वो थी सोना। तो पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम आई, फिर मैग्नीशियम, ये हम करके देख चुके हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के देख चुके हैं कि ये सबसे अधिक क्रियाशील मिली, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु, कोई भी धातु ले लो, अगर हम उसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा भी धातु का हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक भाई। अब वही बात धातु की अभिक्रिया करवा के देखेंगे, जैसे पोटासियम हमने ले लिया, पोटासियम, पोटासियम को जैसे ही हमने जल में डाला तो बना क्या, KOH+ हाइड्रोजन गैस, और ये इतनी ऊष्माशेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशेपी मतलब इसमें इतनी अत्यधिक ऊष्मा निकलती है कि जो ये हाइड्रोजन है यह आग पकड़ लेती है। तो ये जैसे ही, जैसे हमने इसमें जल है और इसमें पोटासियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया तो क्या होगा, तो ये पोटासियम इसके ऊपर थोड़ा घूमता रहेगा और हीजिंग साउंड आएगी, हीजिंग साउंड का मतलब इस तरह से ये करता रहेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी। थोड़ी देर में जैसे ही हाइड्रोजन निकलना शुरू करेगी तो ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और इसमें से एकदम ब्लास्ट हो जाएगा झटके से, ठीक है। ऐसा ही पोटेशियम के साथ, ऐसा ही सोडियम के साथ होता है, Na+H2O, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें भी इतनी अत्यधिक ऊष्मा निकलती है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, ठीक है भी? अब हम पढ़ चुके हैं लास्ट, अभी पहले इससे पढ़ा था कि सोडियम और पोटासियम धातुएं ऑक्सीजन में खुला रखने पर अभिक्रिया कर लेती है, तो हम उनको कहाँ रखें, कहाँ स्टोर करके रखें भाई, ये मैं बताना भूल गया था अभी पिछले टॉपिक में। तो सोडियम और पोटासियम धातुओं को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो पोटासियम कितनी तेजी से, सोडियम कितनी तेजी से अभिक्रिया कर रही है, किसके साथ, जल के साथ, इसका मतलब हम उनको जल को जल में नहीं रख सकते और उनको खुला हवा में भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि वो तो वायु के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, तो उनको किस में रखा जाता है, इन दोनों को, सोडियम और पोटासियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ऐसे एक धातु और है, इसको बोलते हैं लिथियम, लिथियम को भी ऐसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है भाई। तो अब देखो ये कितनी तेजी से अभिक्रिया करती है जल, जल के साथ, और ऊष्मा से भी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी और उस ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी। क्या सभी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है, नहीं, सभी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करती है, ये दोनों धातु तो ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेंगी और वो भी बहुत तेजी से। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया तो कर लेगा लेकिन ऊष्मा से भी अभिक्रिया इतनी नहीं होगी, उसमें ऊष्मा इतनी नहीं निकलेगी कि जो हाइड्रोजन पैदा होगी कि वो आग पकड़ ले। जैसे हमने ये ले लिया बर्तन और इसमें ये जल ले लिया, इसमें हमने डाल दिया क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो जरूर वो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर ही चिपक जाएगी, किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, जब इसके ऊपर चिपक जाएगी गैस के बुलबुले तो ये उसको ऊपर ले आएंगे, तो कैल्शियम गैस, सॉरी कैल्शियम इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलना शुरू कर देंगे जो इसको कहां लेके आएंगे, इसको ऊपर उठा के ले आएंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, लेकिन ये याद रखना, ये
ठंडे जल से ही अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम की अगर बात करें हम, मैग्नीशियम अभिक्रिया तो कैल्शियम की तरह ही करती है, इसी वे में, मतलब पानी में डालोगे तो उष्मा से भी अभिक्रिया अत्यधिक नहीं होगी और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम पे चिपक जाएंगे जो उसको ऊपर उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जल होगा वो ठंडा जल नहीं होगा, वो गर्म जल होगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन करेगा ऐसे ही इसी वे में जिस वे में कैल्शियम ने ठंडे जल से की थी, लेकिन मैग्नीशियम करेगा गर्म जल के साथ उसी तरीके से। ठीक है भाई, अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये धातुएं गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करते, तो ये किससे करेंगे, तो ये करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, स्टीम मतलब भाप के साथ, भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने बताया कुछ तो ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, कौन सी, बहुत तेजी से, कौन सी, पोटासियम तथा सोडियम। उसके बाद कैल्शियम ने भी ठंडे जल से अभिक्रिया की, मतलब इन तीनों ने ठंडे जल से अभिक्रिया की, लेकिन यहाँ पे उष्मा से भी अभिक्रिया बहुत अधिक थी, मतलब हाइड्रोजन ने गैस आग पकड़ ली, लेकिन इसने भी ठंडे जल से अभिक्रिया की, हाइड्रोजन पैदा हुई लेकिन हाइड्रोजन ने आग नहीं पकड़ी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने अभिक्रिया करी कैल्शियम के जैसे ही, लेकिन किसके साथ, गर्म जल से, इसने गर्म जल से अभिक्रिया की। उसके बाद जो आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह, ये धातुएं ऐसी हैं जो ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती है, तो किसके साथ करती है, ये कर लेती है भाप के साथ, स्टीम के साथ। जैसे आयरन की अगर हम देखें तो आयरन प्लस H2O यहाँ किसके रूप में है, भाप के रूप में। अब यहाँ पे धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे धातु का मिलेगा ऑक्साइड, ये बात याद रखना, Fe3O4, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये अभिक्रिया होगी। एक बात याद रखना, धातु, धातु अगर जल से अभिक्रिया करती है द्रव अवस्था में तो धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है, अगर धातु भाप से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। कारण क्या है, कारण मैं बता देता हूं। देखो जब ये धातु पोटासियम जल से अभिक्रिया करती है ना, इसमें भी पहले तो धातु का ऑक्साइड ही बनता है, मतलब K2O बनेगा, लेकिन ये बनेगा जल के अंदर ही अंदर, और ये तो जल में घुलनशील है तो ये जल में ही घुल जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब क्या है, धातुएं जल से भी क्रिया करके बनाती तो ऑक्साइड ही हैं, लेकिन जो ऑक्साइड जल में घुलनशील होगा वो जल में ही घुल जाएगा और हमें प्राप्त होगा उस धातु का हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे हमने भी क्रिया करवाई ठंडे जल से, तो वो ठंडे जल में धातु पड़ी हुई है, उसका ऑक्साइड अंदर ही बना जल में और जल में ही घुल गया, हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोक्साइड, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। लेकिन इनमें ये जो धातुएं हैं, यहाँ हमने लोहा लिया, लोहा जल में नहीं है, जल में तो है ही नहीं, वो तो भाप है उसके पास, इसलिए ये जो आयरन ऑक्साइड है यह ऐसे का ऐसा ही रह गया। अगर इसको जल मिलता तभी तो उसमें पता चलता है उसमें घुलता कि नहीं घुलता, अब उसने अभिक्रिया ही नहीं की भाप उससे, जल से तो भाप से की, तो इसलिए ये ऑक्साइड प्राप्त हुआ में आयरन का, समझ गया। उसने पहले कहा था कि धातु ऑक्साइड जल में, बहुत सारे धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, तो ये तो जल में घुलेगा ही नहीं, इसलिए यूं का यूं में धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही जो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमें प्राप्त होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, बात समझ आएगी। अब आगे हम देखते हैं, एक बात याद रखना भाई, जो ये धातु हैं एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर वगैरह, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, सॉरी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इनके ऊपर एक परत मिलती है इनके ऑक्साइड की, इनके ऊपर एक परत मिलेगी इनके ऑक्साइड की, जो अंदर वाली धातु को और ज़्यादा ऑक्सीडेशन से बचा लेती है, मतलब अंदर वाली धातुओं का ज़्यादा ऑक्सीकरण नहीं होने देती, समझ में आ गई।
तो ये बात याद रखना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ और धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कुछ धातु ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातु ऐसी जो जल से भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो वो धातु जो जल में बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं वो धातु का ऑक्साइड ही बनाती है, लेकिन वो ऑक्साइड जल में घुल जाता है तो हमें हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन जो भाप से अभिक्रिया करती है वो धातु का ऑक्साइड ही मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों से अभिक्रिया करवा के, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के और जल से अभिक्रिया करवा के हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि पोटासियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन से भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और जल से भी। उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का। ठीक है, इसका मतलब है हमें तो ये देखो ये धातुओं की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई, मतलब उनका घटता क्रम प्राप्त हो गया। ठीक, अभी तक लेकिन हमने दो ही चीजों से अभिक्रिया करवाई है कि ऑक्सीजन से और जल से। आगे हमारी रहती है धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, इससे आगे मतलब धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको आप लोगों ने रिवाइज करना है, समझना है, एक बार में नहीं समझ में आता तो बार बार वीडियो को देखना है तभी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।